हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हम लोग फूल लगाने वाले हैं। सो ये है कमल का बीज, इसे हम पानी में डाल के रख देंगे 3 दिनों के लिए। फिर ये वापस इसका जब जड़ निकल जाएगा तो फिर हम इसे मिट्टी में लगा देंगे। सो ये देखिए, मैंने बहुत सारे बीज ऑर्डर किए हैं, ये फूलों के बीज है पूरे। देखिए सनफ्लावर का है एंड डेजी, बहुत सारे बीज है, बहुत सारे फूलों के। आधे तो मुझे पता ही नहीं कौन से फूल है। सो मैंने ऑर्डर कर लिया, अब मैं इन्हें लगाऊंगी। और मैं मेला गई थी जनवरी में, तब मैंने ये लेकर आया था मेला से, और ये मुझे 30 रुपीज़ में पड़ा था ये गमला। सो इसमें हम लगाएंगे अभी कुछ फूल। सो ये देखिए, मैंने और भी बहुत सारे लगा के रखे हैं गमलों में, तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। चलिए बालकनी में ये देखिए, ये गेंदे के फूल हैं, एलोवेरा जेल है, और भी बहुत सारे पौधे हैं, मुझे तो आधे के नाम ही नहीं पता। और कड़ी पत्ता तो फिर होना ही होना है, बहुत ही ज़रूरी है। ये डेजी है, इसको मैं इसमें लगाऊंगी डेजी को। और भी बहुत सारे बीज हैं, तो आप लोग देखते रहिए मैं कैसे लगाती हूँ। और ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊँगी और आप लोग दिखाऊँगी। और ये ना क्या बोलते हैं, नारियल का खाद है, नारियल का जो वो निकलता है उसका। सो ये देखिए, ऊपर से ये भी आया था साथ में, तो मैंने भी इसे ऊपर से डाल दिया है, तो अच्छा होगा, देखते हैं कैसा होता है। ये तो हमने लगा लिया, चलिए डेजी को अब हम लगाएंगे। ये देखिए, एक गमला पड़ा था, ये एक डिब्बा था पुराना, तो उसको मैंने काट के और फिर बना लिया है गमला जैसा। तो इसमें मिट्टी ना बहुत दिनों से कुछ लगा नहीं था, तो ये मिट्टी जम गई थी, तो इसे फिर मैंने अच्छे से कर लिया है लकड़ी से, लोहे से। ये देखिए, फिर इसमें हम कुछ फूल लगा देंगे, देखते हैं क्या। सनफ्लावर लगाते हैं इसमें, सनफ्लावर क्योंकि बड़ा होता है ना, तो हम इसमें सनफ्लावर लगा देंगे, इसके बीज लगा देंगे, देखते हैं कितने दिनों में निकलता है। वैसे मुझे लगता है 3-4 दिनों में तो निकल ही जाएगा। सो ये देखिए, हम लोग इसको भी लगा दिए। यार बारिश का टाइम है ना, तो फूल लगाना, तो फूल पौधे कुछ भी लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। तो ये देखिए, हमने खाद भी डाल दिया है ऊपर से, थोड़ा थोड़ा मैंने बॉटल का बना लिया था पानी डालने वाला, तो ये पानी भी डाल दिया। इसमें ज़्यादा पानी एक साथ नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा जाता है तो अच्छा होता है ये। तो ये देखिए, बॉटल को मैंने छेद कर लिया था और फिर पानी डाल दिया। और मेरे पास बहुत सारे ये पड़े हैं, घड़ा भी पड़ा था, तो मैंने घड़े को भी बना लिया है कि इसमें भी कुछ फूल लगा देंगे। अंदर मिट्टी तो है घड़े के अंदर, कुछ मिट्टी बचे, कुछ मैंने निकाल लिए थे, सो उसमें भी लगा देंगे। और ये देखिए, हमारा सनफ्लावर लग चुका है, अब हम दूसरा फूल लगाएंगे, इस गमले में लगाएंगे। इसमें हम क्या लगाते हैं, चलिए देखते हैं हम क्या लगाते हैं। अभी तो मैं मिट्टी के साथ खेल रही हूँ, मुझे मिट्टी बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए। तो इसमें हम लगाएंगे बलसम, बलसम ये तो मैंने पहली बार सुना है ये फूल का नाम, पता नहीं कौन सा है, चलो देखते हैं। बलसम जब बड़ा होगा तो पता चलेगा ये क्या है बलसम, तो ये हम इसमें लगा देते हैं। और इसमें भी मैं कोई सा फूल लगा दूंगी, इसमें कौन सा। और ये देखिए, इस डिब्बे में मैंने गेंदे का फूल लगा दिया, गेंदा तो बहुत जल्दी फूल आ जाता है गेंदे का, तो इसमें गेंदे का फूल लग गया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है यार, हरा भरा सा। अब हम देखिए, घड़े में बहुत सारी मिट्टी भरी पड़ी है, तो हम इसमें आधी मिट्टी इसमें निकाल लेंगे इनमें, क्योंकि मिट्टी की बहुत ज़्यादा कमी है यार, मुझे मिट्टी मंगाना है बाहर से।
तो मैं मिट्टी मंगा लूँगी तो फिर हो जाएगा काम, क्योंकि अभी बहुत सारे फूल लगाने हैं। तो कुछ मैंने सोचा चलो घड़े में मिट्टी पड़ा है तो उस मिट्टी का यूज कर लिया जाए, तो इसलिए मैं निकाल रही हूँ। आप लोग को बीज दिखा देती हूँ। मैंने ये देखिए पूरे बीज निकाल के रखे हैं, इनमें से कौन सा लगाना है वही मैं अभी चूज़ कर रही हूँ। तो मुझे लगता है सनफ्लावर तो लगा लिया है, ये पोचा करके है और पैंसी, डालिया, ये सब इनमें लगेगा। चार मैंने फूल सेलेक्ट कर लिए हैं, फूल के बीज अब हम इनमें लगा देंगे इसको। तो सबसे पहले हमने निकाला है, ये क्या नाम है यार मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये कोचा है, कोचिया, तो इसमें लगा देंगे कोचिया को। और फिर एक और ये है, इसमें लगा देंगे डालिया को। और फिर ये है पैंसी, तो हम इसमें लगा देंगे इन फूलों को, देखते हैं कैसा होता है। मैंने गूगल में सर्च कर लिया था कि ये फूल कितने बड़े होंगे, कितना बड़ा इनका वो पौधा होगा, पेड़ होगा, सो मैंने देख लिया पहले, उसके अकॉर्डिंग ही लगाया है। तो ये देखिए चलो लगा लेते हैं अब। पानी डाल देते हैं, ऊपर से पानी छिड़क देते हैं, पूरा पानी नहीं डालना चाहिए पता है, थोड़ा सा बॉटल में छेद करके ऐसे छिड़कने वाला पानी डालो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, बहुत अच्छा रहता है। अब यहाँ पे देखो कितना सारा गंदा हो गया है, तो अब हम इसको साफ़ कर लेते हैं क्योंकि सफाई भी बहुत ज़रूरी है। मैंने मिट्टी मिट्टी कर दिया तो मैंने सोचा अब इसको साफ़ कर देती हूँ ताकि अच्छा लगे। ये ना छत में मैं इन फूलों को लगा रही थी क्योंकि ये घड़ा वगैरह मिट्टी सब छत में थे, तो इनको मैं लगा के फिर नीचे बालकनी में ले चलूँगी। तो अभी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। हाँ, तो मैंने कर ली। अब मैंने सोचा ये गमले बहुत गंदे हो गए हैं मिट्टी से, तो चलो इनको साफ कर लिया जाए। तो ये देखिए मैं गमले को मस्त साफ करके चमका दे रही हूँ, कितने चमकने लगेंगे अभी देखना आप लोग। ये देखिए साफ रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, मिट्टी मिट्टी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इनको भी साफ कर दिया है अच्छे से, फिर इनको मैं लेकर नीचे जाऊँगी। तो ये देखिए मेरा बड़ा सा गमला है, इसको भी मैंने साफ कर लिया है। और ये मेरे गेंदे का, ये मेरा फेवरेट कॉफ़ी मग था यार, इसको भी मैंने कॉफ़ी मग को बना लिया है, कॉफ़ी मग में लगा दिया है फूल। जितने भी मेरे पास ना वेस्ट रहते हैं चीज़ें, जैसे डिब्बा हो गया, कॉफ़ी मग हो गया, तेल के डब्बे हो गए, तो उनको सब मैं काट काट के बना लेती हूँ। तेल के डब्बे, दो तेल के डब्बे उनको भी काट के बनाया, कॉफ़ी मग है, कुछ बाहर से मंगाया है, ऐसे गमले बना लेती हूँ, यूज कर लेती हूँ। और ये पहले से लगे हुए हैं, ये 100 पीस,